हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI क्लर्क प्रीलिम्स की, आपकी रिजल्ट डेट क्या रही है, क्या रहेगी, और मेंस की डेट आपकी क्या रखी जाएगी, कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। तो अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो देखिए, प्रीलिम्स के रिजल्ट डेट की अभी तक कोई भी नोटिस या कुछ नहीं आया है। जो सभी आपको बता रहे हैं वो सिर्फ एक अनुमान है कि 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा या 20 तक आ जाएगा, क्योंकि SBI पहले भी लेट करता आया है और अब भी लेट कर सकता है, आपके रिजल्ट को डिले कर सकता है। मेंस उसी प्रकार से आपका डिले हो जाएगा। मेंस के लिए अगर बात करते हैं आपको कितने दिन मिलेंगे, तो 15 दिन आप मैक्सिमम मानकर चल सकते हैं कि 15 दिन आपको मिलेंगे। उससे ज़्यादा के चांसेस बहुत ही कम हैं, क्योंकि रिजल्ट अगर आपका 15 तारीख तक आ जाता है तो आपको 20 से 22 दिन मिल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका रिजल्ट जो डिले होता चला जाएगा, आपके जो मेंस के बीच टाइम होगा वो कम होता चला जाएगा। वहीं अगर बात करता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, तो देखिए पिछली बार के मुकाबले जो इस बार एग्ज़ाम का लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। हाई ये कह सकते हैं कि थोड़ा अप था, हाई कहना तो खैर ठीक नहीं होगा। तो उसी वजह से जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी पिछली बार के मुकाबले डाउन जाएगी। वहीं अगर बात करते हैं, बहुत से स्टेट के अंदर वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा कम है, उन स्टेटों में आपको देखने के लिए मिल सकता है कि वैकेंसी के हिसाब से कट ऑफ उनकी थोड़ी सी हाई जा सकती है। लेकिन जिन भी स्टेट में वैकेंसी जो है ठीक ठाक हैं, उनकी जो कट ऑफ है नॉर्मल जाने के चांसेस है, प्रीवियस ईयर के मुकाबले कम जाने के चांसेस है 1-2 नंबर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब आपका रिजल्ट आएगा तब मिलते हैं। उसके लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।